ऑलराइट सर, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, दो ऑप्शंस दूंगी। सिर्फ दो? जी सिर्फ कम से कम मैडम तीन या चार तो दो। सर दो ऑप्शंस दूंगी एंड जो आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब है वो आपको मुझे बताना है। जी जी बिल्कुल। तो सर आप YouTube पे लाइव भी आते हैं एंड फेस टू फेस क्लासेस भी लेते हैं, तो आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, बड़ा कठिन क्वेश्चन आपने पूछा। अगर मैं कोई भी जवाब देता हूँ तो नाराज मत होना, YouTube मेरा पूरा परिवार है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है YouTube पे। लेकिन YouTube पे अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी मेरी वीडियो फेमस हुई है उसमें से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वो हैं कि जिसे मैंने फेस टू फेस बैच में रिकॉर्ड किया है। हम फेस टू फेस मैडम पढ़ाते हैं दिल्ली में और उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, और उसे रिकॉर्ड करने के बाद जब वो पूरे इंडिया में पेन ड्राइव में जाती है तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फेस टू फेस में जब पढ़ाता हूँ एक अलग ही मज़ा आता है। सामने जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं मुझे पूरा उनका पता चलता है, क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या उन्हें वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही, उनके चेहरे से पता लग जाता है क्या वो बोर हो रहे हैं, क्या कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तो फेस टू फेस में मुझे बहुत मज़ा आता है। सर आप यूट्यूब पे भी क्वेरीज लेते हैं जब लाइव जाते हैं एंड ऑन कॉल भी आपको क्वेरीज आती होंगी श्योर, तो कौन सी क्वेरीज लेने में ज़्यादा मज़ा आता है? अरे मैडम पहली बात तो मैं बताऊँ ना, मुझे क्वेरीज लेने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता कोई सी भी, मेरे को मज़ा आता है पढ़ाने में समझाने में। तो मैं सामने वाले को कहता हूँ अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज है उसे पूछो कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किस सेक्शन से होगा, किस रूल से होगा। तो इसलिए क्वेरी में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मुझे मज़ा आता पढ़ाने में। हालांकि जो क्वेरीज हमारी मेल्स पर आती हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सामने वाला जब लिखता है तो वो क्लियरिटी हमारे को होती है। और कई बार जो क्वेरीज जो कॉल पर आती है मज़ा तो उसमें भी आता है, लेकिन कई बार कॉल्स पे कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेरी एकदम ऐसी आ गई जिसका एकदम से जवाब नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो क्वेरी में जो मज़ा होता है वो मेनली एक होता है कि जो आपको मेल पर आई या जो कॉल पर, यूट्यूब पर जो क्वेरीज होती है वो तो धड़ाधड़ पूछते रहते हैं, उसमें पढ़ने का भी टाइम ही नहीं हो पाता, तो वहाँ पर रिएक्शंस बहुत जल्दी देना होता है। तो मज़ा तो मैडम फ़ोन पर और मेल्स पर आता है, और बाकी क्वेरी से ज़्यादा लोगों को उसका सॉल्यूशन बताने में कि सर यहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो तुम भी। जी सर, अगर दिल और दिमाग के अंदर किसी एक को चुनना पड़े या लड़ाई हो जाए दिल और दिमाग में, तो आप किसको चुनेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को या आपके हार्ट को? अब मैडम देखो इसका तो आपने बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी बोलूँगा तो लोग बाग कमेंट्स डालेंगे कि कैसा व्यक्ति है ये। लेकिन मैं आपको अगर सच बताऊँ तो दिल के मामले में जितने भी फैसले लिए हैं वो ज़्यादातर गलती हुए हैं, अगर जो फैसले मैंने दिमाग से लिए हैं वो ज़्यादा सही हुए। तो दिल और दिमाग की अगर बात करूँ तो दिमाग वाले फैसले मेरे अभी तक ज़्यादा सही हुए हैं। सर आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा है, CA के एग्ज़ाम्स पास करना या शादी वाला एग्ज़ाम पास करना? ये भी अगेन एक पर्सनल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। अगर मैं CA की बात करूँ तो CA तो मैंने प्री अटेम्प्ट में पास करी, मतलब 4 साल से भी कम समय में जितना उसके लिए एलोटेड टाइम होता है उसमें मैंने पास कर ली। अगर मैं शादी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो 2012-13 से तैयारियाँ थी, ठीक है ना, और वो पूरी हुई जाकर 2020 में। तो मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हुए आए हैं शादी के टाइम पर। तो शादी का एग्ज़ाम, एक सही जीवन साथी चुनना मेरे हिसाब से एक टफ जॉब है। सर आप जॉब में भी रहे हैं और प्रैक्टिस में भी रहे हैं, तो आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय थे? अब मैडम क्वेश्चन आप ऐसे पूछ रहे हो बड़े रैपिड फायर में, ये बड़े ख़तरनाक क्वेश्चन है, और दो ही चॉइस आप दे रहे हो इसमें। आप समझिए कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, या एम्प्लॉय था, ये तो मेरे एम्प्लॉयर्स बता सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एज ए अच्छा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर की तो बात करूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉयर नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं एम्प्लॉय था तो मुझे लगता है उस टाइम पर मैंने काफ़ी अच्छा काम किया और मैंने कभी अपने एम्प्लॉयर्स को इतना परेशान नहीं करा जितना आज के टाइम में जनरेशन करती है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला इतना,
आज के टाइम में लोग जॉब पाने के लिए झूठ बोलते हैं कई बार, कई बार मजबूरी भी होती है उनकी, ऐसा नहीं है कि उनकी मजबूरी है तो ना पता सच बोलेंगे तो जॉब मिलेगी नहीं। और कई बार क्या होता है ना, एज ए एम्प्लॉयर ना मुझे छोटी छोटी बातों पे लोग बाग कहते हैं कि तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हो, क्योंकि लोग बाग ना छोटी छोटी बातों का महत्व नहीं समझते। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आपको बताऊँ, मेरे को बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें सिर्फ आप ही की गलती है। तो जो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पर आया हूँ तो मुझे 10-10 रुपये 20-20 रुपये की भी वैल्यू है, और मैं अपने एम्प्लॉयज़ में चाहता हूँ कि चलो तुम मेरे जैसा नहीं बन सकते लेकिन इम्प्रूव तो करो, लर्निंग तो करो आप। तो मेरा और मेरे एम्प्लॉयज़ का ना हमेशा ना थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता ही रहता है, ठीक है, ये समझ लो कि उन्हें मुझे झेलना पड़ता है, वो मुझे झेलते हैं, ठीक है। और मैं बड़ी शाबाशी देता हूँ जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टाफ है कि हाँ वो मुझे झेल रहे हैं मेरे टीम मेंबर्स, हालांकि नोक झोंक होता रहता है। तो नट शेल में अगर बात करूँ तो एम्प्लॉई में ज़्यादा अच्छा था।